तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास न्यू डीसी से लेकर के काफी सारे एक्साइटिंग अपडेट हैं, जिनको सुनकर के भाई अगर आप यहाँ पर डीसी के फैन हैं ना, तो भाई आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। और मैं यहाँ पर मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो यारो, आज मेरे पास न्यू डीसी के सीनेट अनाउंसमेंट और न्यू डीसी में सुपरमैन की स्टोरी क्या होगी और कौन यहाँ पर न्यू डीसी में सुपरमैन का रोल प्ले करेगा और यहाँ पर जेम्स गन आखिर कौन से दिन न्यू डीसी के सीनेट को अनाउंस करेंगे, इन सब के बारे में काफी सारी अपडेट है। तो वीडियो को इन तक ही देखना। तो यारो, सबसे पहले बात करते हैं कि जेम्स गन न्यू डीसी के सीनेट को आखिर कब रिलीज करने वाले हैं। तो यारो, जैसा कि हमें पता है कि जेम्स गन ने अनाउंस किया था कि जनवरी के मंथ में ही वो यहाँ पर न्यू डीसी से लेकर के काफी सारे अनाउंसमेंट और यहाँ पर वो न्यू सीनेट को रिलीज करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जेम्स गन के पास अगले 8 से 10 साल का प्लान रेडी है डीसी के लिए, लेकिन वो उसको अभी धीरे धीरे अनाउंस करेंगे। और यहाँ पर अब डीसी की मूवीज होने वाली फेज वाइज, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, जैसे की एमसीयू की मूवीज होती है ना, सेम वैसे ही। पर यारो, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर कब यहाँ पर जेम्स गन डीसी के सीनेट को रिलीज करेंगे। तो यारो, यहाँ पर ग्रेस ने ट्वीट करके बताया भी है और ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक में जेम्स गन अपने न्यू डीसी के सीनेट को अनाउंस कर देंगे। अब यहाँ पर किस फॉर्मेट में करेंगे, मतलब वीडियो के फॉर्मेट में या फिर इमेज के या फिर ट्वीट करके बताएंगे, ये अभी तक की तो कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पर जेम्स गन न्यू डीसी के सीनेट को रिलीज कर देंगे। और यारो, ये मंथ वैसे भी अब एंड होने वाला है, तो ये सोर्स बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक में जेम्स गन डेफिनेटली उनका न्यू डीसी का विजन क्या है वो यहाँ पर अनाउंस कर देंगे। और यारो, मैं तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जेम्स गन के प्लान को देखने के लिए। हालांकि यहाँ पर जेम्स गन ने हेनरी कैविन को फायर कर दिया है सुपरमैन के रोल से, जो कि भाई बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही मतलब बहुत भाई मतलब कि दिन को तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मेरे को भरोसा है जेम्स गन पर। और यहाँ पर जेम्स गन का जो डिसीजन है हेनरी कैविन को फायर करने का, तो क्या वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, देखते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जेम्स गन ने ट्विटर पर एक फोटो को शेयर किया था जिसमें वो सुपरमैन की ऑन स्टार सुपरमैन कॉमिक को रीड कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या पता जेम्स गन की न्यू सुपरमैन की जो मूवी होने वाली है वो यहाँ पर ऑन स्टार सुपरमैन की कॉमिक से इंस्पायर हो सकती है। और दोस्तों, इस कॉमिक में होता कुछ ऐसा है कि सुपरमैन को न्यू टाइप की शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन वही शक्तियां उसको मार भी रही होती अंदर से, और अब सुपरमैन के पास बस 1 साल का टाइम बचा है, लेकिन ये बात वो जनता से छुपाए रखता है। और यहाँ पर सुपरमैन को पता होता है कि वो 1 साल के बाद मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो फाइट करता है जिससे कि भाई जनता को पता न चले कि वो मरने वाला है। तो मतलब भाई ये कॉमिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर ऐसा होता है ना, तो भाई मूवी काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यारो, अब बात करते हैं कि आखिर न्यू सुपरमैन का रोल कौन प्ले करेगा न्यू डीसीयू में। तो यारो, ये तो उससे बड़ा सवाल बन गया है कि भाई आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हालांकि हमको इसका जवाब तो मिल गया, लेकिन बहुत ही जल्द हमको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि न्यू डीसीयू में सुपरमैन का रोल कौन प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक की सबसे ज्यादा रूमर्स तो इसी बात के हैं कि जेकॉब यहाँ पर न्यू सुपरमैन का रोल प्ले करेंगे। पर अभी यहाँ पर रिसेंट इंटरव्यू में जेम्स गन ने खुद ही कहा है कि वो न्यू डीसीयू में क्रिस प्रैट और गार्डियंस की पूरी टीम के साथ यहाँ पर फ्यूचर में काम करना चाहते हैं डीसी के प्रोजेक्ट में। तो यारो, हमें न्यू डीसीयू में अगर फ्यूचर में जाकर के गार्डियंस की पूरी टीम या फिर गार्डियंस की टीम का कोई ना कोई मेंबर अगर डीसीयू में देखने को मिल जाए ना, तो भाई हैरान बिल्कुल भी ना होना, क्योंकि यहाँ पर जेम्स गन ने खुद ही कहा है। और यारो, जब से जेम्स गन ने ये कहा है तब से सभी लोग ऐसा सोच रहे कि भाई क्या आखिर न्यू डीसीयू में क्रिस प्रैट सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं क्या। तो देखो, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सुपरमैन की शूटिंग नेक्स्ट ईयर से पहले तो स्टार्ट होगी नहीं, और अगर यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में स्टार लॉर्ड यानी कि अपने पीटर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो न्यू सुपरमैन का रोल प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्टर एमसीयू में काम कर रहा है वो यहाँ पर डीसीयू में काम नहीं कर सकता है, पर यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर्स का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता तो है, और अभी यहाँ पर क्रिस प्रैट एमसीयू में गार्डियंस की टीम के लीडर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हैं। तो हाँ, भले ही हमें फ्यूचर में क्रिस प्रैट न्यू डीसीयू में दिख सकते हैं, लेकिन अभी एज सुपरमैन दिखेंगे इसके चांसेस बहुत ही कम है, मतलब भाई बहुत ही कम है। बट हाँ, देखते हैं कि यहाँ पर जेम्स गन क्या अनाउंस करते हैं नेक्स्ट वीक में। तो यारो, जो भी होगा मैं यहाँ पर आपको अपडेट तो कर ही दूंगा, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको जानना है कि जेम्स गन के न्यू डीसीयू में कौन कौन सी मूवीज हो सकती हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर भी दे दूंगा, तो जाकर के देख लो। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।